शांत रहो। मतलब रोज वहाँ जाते थे वो जाते थे। तो पैसा क्या नए पेड़ पे भी खरीद होती है क्या? नहीं खरीद हुई ये वहाँ देख रहे मंडी तो ललितपुर ले जाने में कितना यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा पैसों का क्या सिस्टम है? जैसे आप वहाँ मंडी में अपना बेचते हो तो पैसा साथ मिल जाता है ना? नहीं सर, कभी कभी ऐसे व्यापारी दे भी देते, नहीं तो ले जाना है। देखो ये जिस तरह से इनकी डेथ हुई है कि वहाँ पे 3 दिन रहे, वहाँ पे खाद लेने अंसर रोज जाते थे, तीसरे दिन उनकी डेथ हुई वहाँ पे। तो ये खाद की दिक्कत ही क्या क्यों हो रही भाई? ऐसा ही हाल जो यहाँ पे फसलें पैदा करते हैं उनको ठीक रेट में खरीद नहीं होती, ये भी बड़ा एक मामला है। MSP पे नीचे खरीद होती है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, इसीलिए दिल्ली में ये आंदोलन चला हुआ है। और जिस हिसाब से भाई डेथ हो रही, डेथ वहाँ पर लाइन में लग के हुई तो नाम तो ये होगा, खाद की लाइन में लग रही थी उनकी डेथ हुई। सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या सरकार से ये है कि भाई हालात को ठीक करो। आप यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन देंगे पीड़ित? आश्वासन आए हैं यहाँ पे ये आंदोलन जारी रहेगा, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और इस तरह के हालात ना हो। कम से कम इन्हीं से ही ज्ञान लेके खाद की जो समस्या है उसके फसलों के लाभकारी मूल्य दे दो। न्याय में किस तरह की डिमांड रखते हैं? न्याय में तो डिमांड ये है कि भाई सरकारी डेथ ये हुई है तो भाई 40 लाख रुपए सरकारी रेट तो खुली रहा। जनपद में 5 किसानों की मौत हुई है तो क्या प्रत्येक हमने सब जगह जाएंगे तीन